वन का ए एस, बी पी सी पी डी आर, टू का ए क्यू बी पी सी आर डी क्यू, थ्री का ए पी बी पी सी पी डी पी, फोर का ए क्यू बी पी सी एस और डी आर। चलो आज जो क्लास ले रहा हूं उसे मैं मूवमेंट मतलब तो आज तो डेफिनेट एंट्रेंस लेवल है, और इसे मैं मोमेंटम क्लास कह रहा हूं। सर क्यों? मोमेंटम क्लास का मतलब है कि आज तुम लोग को मैं छोटा छोटा ट्रिक्स दूंगा जो देख के तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है, और किसी किसी जगह प्रूफ को भी स्किप करूंगा और यू एंजॉय द प्रोसेस। हाँ कि ठीक है, ये भी एक तरीका है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास फिर आज ही हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में लेटर ऑन चले जाऊं, और कोशिश करूंगा कि आज ज्यादा डिफिकल्ट लेवल में ना जाऊं। तो जैसे एक प्रॉब्लम मैं देता हूं, सपोज आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू कॉस एक्स डी एक्स बाय ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, जे इज इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू साइन एक्स डी एक्स बाय ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, फाइंड आई एन जे। सम को एक बार लिखो फिर मैं बताता हूं। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहता हूं तुम सब लोगों से, हाँ, क्योंकि देखो क्या होगा कि चलो पहले कर लेता हूं, देखता हूं कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसके बाद। हाँ पहले ये लिख लो, मैंने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कल एक टेस्ट लिया था, याद है? कितनों ने दिया था टेस्ट? हाँ सर, हाँ सर, मैंने दिया था। ठीक है, मैंने दिया था। अच्छा सर, मैंने भी। हाँ ठीक है, तो मैं तुम लोग को एक चीज बस बोलना चाहता हूँ कि रिलेटिवली तुम लोग देखोगे कि तुम लोगों का मार्क्स हो सकता है कि थोड़ा कम आया है, और बाकी बहुतों का भी आया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर मैंने सेम नॉलेज के स्टूडेंट्स को भी कम मार्क्स तुम्हारे बैच में आते हुए देखा है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि तुम लोग पहली बार इस टाइप का एग्जाम दे रहे हो, और मेरे पुराने स्टूडेंट्स ऐसे एग्जाम दे के दे उन्होंने काफी लास्ट एक साल से ये एग्जाम दे रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? गेटिंग क्लियर? हाँ या ना बोलो? ठीक है, हाँ तो बोलोगे जरा। हाँ ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट गेटिंग डिमोरलाइज्ड। हाँ मतलब मैं तुम लोग को एक बात बोलता हूँ कि मैं जब तुम लोग को प्राइवेट टेस्ट दूंगा ना, देखो पब्लिक टेस्ट तो मैं ज्यादा नहीं ले सकता हूँ अभी, हाँ, क्योंकि पब्लिक टेस्ट अभी ज्यादा लूंगा तो फिर बंदे लोग देना बंद कर देंगे। ये जो पब्लिक टेस्ट मैंने रखा हुआ है कोर्स खत्म होने के बाद, मैं संडे संडे को लूंगा, कल एक टेस्ट फेस था। हाँ मैं जो प्राइवेट टेस्ट देता हूँ ना यार, प्लीज दिया करो। समझ में आया? कल एटलीस्ट एग्जाम जिन लोगों ने दिया उन्हें एक चीज समझ में आया होगा कि एग्जामिनेशन में सोचना और ऐसे घर में बैठ के सोचने में अंतर है। वो समझ में आया है? नहीं, एग्जामिनेशन के बाद जब मैंने सॉल्यूशन भेजा होगा तो मेरे ख्याल में तुम्हें लगा होगा अगर तुमने। अच्छा पहले एक चीज बताता हूँ, ये 3 घंटे का प्रोसेस है। हाँ एग्जाम देना 3 घंटे का प्रोसेस है। सर कैसे? 1 घंटा जब तुम एग्जाम देते हो जिसका आउटपुट 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, एकदम मैं बोल रहा हूं, हाँ एकदम सही बात बोल रहा हूं, ठीक है, मगर उसके बाद 2 घंटा तुम पोस्ट एनालिसिस दोगे। अब तुम बोलोगे सर इतना टाइम का है कि एक दिन में मैं दूंगा, मैं एक दिन में देने का कहां बात कह रहा हूं रे, मैंने कहा कल तुमने एग्जाम दिया, आज तुम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 का एक एनालिसिस करोगे, मतलब एक कॉपी लोगे, ट्राई करोगे सॉल्व करने का, नहीं होता है तो मैंने जो सॉल्यूशन दिया है उसी को देख के दोबारा कॉपी नहीं करोगे, बंद करके दोबारा लिखोगे। कल फिर से क्वेश्चन नंबर 14 से लेके जिनका स्कूल का भी एग्जाम नहीं चल रहा है, क्या ये पॉसिबल है? हाँ या ना पहले ये बोलो। ये तो पॉसिबल है, ठीक है, ये तो पॉसिबल है, तो ये कर पाओगे? मतलब मैं तुम लोगों से रिजल्ट निकलवाऊंगा मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मेरा पहला बैच है जहां पे मैं ऑनलाइन एग्जाम ले रहा हूँ, और मैं केवल मैथ्स का ही नहीं, मैं साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी मिला दूंगा,
मगर तुम्हें मेरा बात मानना पड़ेगा, ठीक है, कि देखो मैं प्रेशराइज नहीं कर सकता हूँ ना, ये सब चीजों में प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, बस मैं तुम्हें मोटिवेट कर सकता हूँ, तो ट्राई टू गेट मोटिवेट। हाँ, ये करके देखो, मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं कि मैथ्स में 60% या 60% से ज्यादा मार्क्स आएगा तुम्हारा। तुम बोलोगे सर 60% बहुत कम होता है, एंट्रेंस में ये कम नहीं है, मैथ्स में 60% लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, मैथ्स में 60% लाना, 80 लाखो तो मुझे भी खुश है, 50-60 भी आ जाता है मैथ्स में, 50-60% का बात कह रहा हूं, एग्जामिनेशन के अनुसार तुम लेके आ जाओगे मार्क्स को, इट्स अ गुड मार्क्स। तो ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? कई लोग यहां पे घबरा जाते हैं, सर ये एक मार्क्स एक घंटा में मुझे नेगेटिव मार्क आ गया, मैं क्या करूं सर, मुझसे कुछ नहीं होगा। नहीं 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 रे, ये दो ना यार, पोस्ट एनालिसिस में टाइम दो ना रे, कैसे नहीं होगा? तो ये मतलब तुम्हें तीन चीज करना है, क्या? सबसे पहले जब बोर्ड लेवल पढ़ाता हूं तो बोर्ड लेवल खत्म करना है, उसके बाद जब मैं असाइनमेंट सीट देता हूं तो असाइनमेंट सीट खत्म करना है, और उसके बाद डीपीपी खत्म करना है। ये तीन चीज तुम्हारा नॉलेज, स्पेलिंग जो भी है, नॉलेज को बढ़ाएगा। उसके बाद आता है स्पीड प्लस टाइम मैनेजमेंट। ये कहां से आएगा? एग्जाम से। क्या ये समझ में आया? हाँ सर। कई बार स्टूडेंट को यहां पे कुछ कमी नहीं होता है, प्रॉब्लम यहां होता है, मगर अब कहां प्रॉब्लम होता है मैं बोलता हूं। कल अगर तुम्हारा कम मार्क्स आया और बाय चांसली तुम लोगों ने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, मैं तो बोल रहा हूँ कि इंडेफिनेट में तुम लोगों ने एनसीईआरटी बना दिया और कुछ मेरे असाइनमेंट सीट्स बना दिया या पास्ट ईयर बना दिया, अब एग्जाम में कम मार्क्स आ गया तो स्टूडेंट लोग को लगता है कि नहीं दोबारा मैं अब इंडेफिनेट शुरू करूंगा। नहीं नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने इंडेफिनेट को 50-60% बना दिया है और तुम्हारा मार्क्स 10% नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम इंडेफिनेट के नॉलेज में नहीं है, प्रॉब्लम स्पीड और टाइम मैनेजमेंट में। तो इसके लिए तुम्हें और ज्यादा एग्जाम देना होगा रेदर देन और ज्यादा थ्योरी में जाओ। कई टाइम तुम लोग डायग्नोसिस गलत कर देते हो कि मेरा मार्क्स इसलिए खराब आ रहा है क्योंकि मुझे पास नॉलेज नहीं है, मगर जब तुम सॉल्यूशन देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि अगर यही चीज मेरा डीपीपी में होता तो ये सब मैं कर पाता। इसका मतलब तुम्हारे, अब वो तुम्हें देखना है, वो उसका कोई मेथड नहीं है, वो तुम्हें देखना है। तो जब तुम देख रहे हो कि नहीं तुम्हें, जब तुमने सॉल्यूशन देखा तुम्हें लगा कि नहीं ये वाला सब मुझसे हो जाएगा, ये सब आसान था, और जब तुम एग्जाम में ये नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम टाइम और मैनेजमेंट और स्पीड का है, ना कि नॉलेज का है। और टाइम मैनेजमेंट और स्पीड का जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो एग्जाम से ही सॉल्व होगा, ना कि वो दोबारा इस चीज को बनाने से सॉल्व होगा। तो ठीक है, तो इस चीज को समझ के नेक्स्ट टाइम से जब टेस्ट लूंगा तो प्लीज और टेस्ट में आओगे, पॉजिटिव या नेगेटिव के बारे में चिंता नहीं करोगे, कि दो स्टेप है। स्टेप वन, मैं इस स्टेप के बारे में अभी चिंता ही नहीं कर रहा हूं, उसके बाद जिस स्टूडेंट ने स्टेप टू कर दिया, और करना पड़ेगा, ठीक है करना पड़ेगा, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि हाँ तुम्हें लगेगा कि ठीक है कि अरे बैठ के सम सॉल्व नहीं करेंगे तो हो जाएगा। जस्ट तुम्हें कुछ दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है, दुखाना चीजों को मैं अपने लेवल में ही दिखा पाऊंगा, मतलब मैं जितना जानता हूं मैं उसी चीज में तुम लोगों को बता पाऊंगा। देखो आज रात को मेरा केवीपीआई का क्लास है, क्या बोलते हैं, क्लास 11th का लूंगा मैं। हाँ, तो ये तो नहीं है कि 2018 का पेपर है, ये 2019 का पेपर, ठीक है, 2019 का पेपर, 2018 का पेपर श्योर, मैंने लास्ट ईयर भी सॉल्व किया है, ठीक है। तो मुझे ये आज पढ़ाना है मेरे स्टूडेंट्स को, ये वाला चीज मुझे पढ़ाना है,
तो देखो मैं खुद पढ़ाने से आगे मैं बस अपना ही बात बता रहा हूँ, ठीक है, मैं कहीं भी वो नहीं झाड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे कि देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं जस्ट मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ कि देखो मैं भी पोस्ट एनालिसिस करता हूँ अपने क्लास का, मगर मैं क्लास से पहले करता हूँ, समझ में आया ना, मुझे क्लास से पहले करना होगा, मुझे क्लास से पहले करना होगा या नहीं, तभी मेरा क्लास अच्छा जाएगा। और तुम्हारा पोस्ट एनालिसिस कब होगा, एग्जाम के बाद होगा, ठीक है। तो मैं ये सपोज मुझे आज डिस्कस करना है, तो तुम देख रहे हो मैं आज सुबह से बैठ के ये चीजों को फिर से सॉल्व कर रहा हूं, नहीं ये नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहना है कि मुझे मेरे स्टूडेंट से भी वही एक्सपेक्टेशन है कि तुम भी यही करोगे, नहीं क्या, अरे ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, मुझे तुम सही बोलो ये ऑनलाइन क्लास है, मेरा क्या जाता है, मैं आराम से साइड में सॉल्यूशन खोलूंगा और बकते हुए जाऊंगा, मैं ये काम कर सकता हूँ ना, मगर ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं चीजों को सॉल्व कर रहा हूँ बैठ के सुबह से, मैं बैठ के सुबह से चीजों को सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं भी पोस्ट एनालिसिस करता हूँ, मगर मैं प्री एनालिसिस करता हूँ क्लास का, तभी मैं तुम लोगों को आज बोल पा रहा हूँ कि आज मैं मोमेंटम वाला क्लास लूंगा। अरे सुनाई दे रहा है? हाँ सर, ठीक है, मैं प्री एनालिसिस करूंगा, तुम लोग क्या करोगे? पोस्ट एनालिसिस। और मैं सिग्नेचर के साथ दे रहा हूं कि मार्क्स आएगा तुम्हारा, सिग्नेचर, ये मेरा सिग्नेचर है, इसे सेव करके रख लेना कि नहीं सर हम एग्जाम के बाद पोस्ट एनालिसिस करते हैं, आज से 8 महीने के बाद जब एग्जाम का रिजल्ट निकलेगा तो मुझे बोलना कि सर आप ये बात सही बोल रहे थे। चलो आगे चलता हूं, तो इस चीज से चीजों को थोड़ा, ठीक है, चीजों को समझो। और चलो तो अब सम में आ जाते हैं दोबारा हम, तो सम तो मेरा ऊपर चला गया तो मैं सम को काट देता हूँ, तो आया समझ में, ठीक है। तो मैं, ठीक है, तो इसीलिए मेरा कहना है कि हम होंगे कामयाब, मगर उसके लिए जरूरी क्या है, अभी भी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। मैं तो बोलता हूँ कि कई बार मैं ये कहता हूँ, दुर्गा पूजा के बाद अगर स्टूडेंट का गाड़ी सही रास्ते से चला गया तो उसने मुझे रिजल्ट दे दिया, तुम बोलोगे सर नहीं पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, मगर तुम्हें उस स्कूल के क्लास को थोड़ा मैनेज करना होगा, उस स्कूल के क्लास को मैनेज करना होगा, मतलब सुबह 6 घंटा जो तुम स्कूल में, मैं बर्बाद ही कह रहा हूं तुम, ठीक है, डोंट गेट पर्सनल, किसी के पेरेंट्स टीचर हो सकते हैं, मैं बर्बाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा ही दिया तो दोबारा स्कूल में पढ़ने का तो कोई यूज नहीं है। अगर वो 6 घंटा तुम यूटिलाइज कर सकते हो अपने लाइफ में तो मेरे ख्याल में पोस्ट एनालिसिस करने का टाइम तुम्हें ज्यादा मिलेगा। अब वो तुम कैसे करोगे वो तुम्हारे ऊपर है, थोड़ा सा अपने आप को सोचो, अपने आप को मोटिवेट करो और दोस्त कम रखो। मैं फिर से कह रहा हूं, दोस्त कम रखो, केवल वही दोस्त रखो जो दोस्त केवल, अगर तुम्हारा एम इंजीनियरिंग है तो उसका भी एम इंजीनियरिंग होना चाहिए, अगर तुम्हारा एम मेडिकल है तो उसका भी एम मेडिकल होना चाहिए, और तुम्हारा एम अगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाके फिल्म टेक्नोलॉजी सीखना है तो उसका एम भी वही होना चाहिए, एम सेम होना चाहिए। तुम्हारा एम है कि मैं गिटार लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक में जाके सीखूं तो उसका भी एम गिटार लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक में ही होना चाहिए। अब तुम्हारा एम है कि तुम गिटार लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक में सीखोगे और उसका एम है कि वो गिटार जाके दुर्गा पूजा के फंक्शन में बजाएगा, तो वो दोस्ती कामयाब नहीं होगा, क्योंकि एवरेज जब निकालोगे तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है उसका नहीं, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, वो दुर्गा पूजा से ज्यादा अच्छा सोचेगा नहीं मैं आईटीआई मास्कोवा में बजाऊंगा, मैं तुम तो नीचे आ गए लंदन स्कूल से। तो एवरेज अपना बढ़ाने के लिए हर समय दोस्त ऐसा रखो कि चीजें जब एवरेज में भी जाए तो तुम ज्यादा नीचे ना गिरो, मतलब बिकम अ सेल्फिश पर्सन। आगे चलते हैं, अगर आई और ये जे है तो मुझे आई और जे निकालना है, सम का नाम है रब ने बना दी जोड़ी, याद आ रहा है? नंबर वन, मैं बस फिर से पूछ रहा हूं, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। चलो ठीक है, रब ने बना दी जोड़ी, सर क्यों बताता हूं, सॉल्यूशन, आज का क्लास करके मजा आ जाएगा। AI प्लस BJ दिमाग में निकाल के देखो, कुछ अच्छा हो रहा है? हाँ सर, दिमाग में निकाल के देखो। हाँ सर, 1 आ जाएगा।
पाई बाय टू। ए आई माइनस बीजे कुछ अच्छा हो रहा है? क्या नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है? कोई बोलेगा? नहीं आ रहा है। ए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स क्या था? माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब सोचो ये टर्म तुम यहां पे कैसे ला सकते हो? सोच सकते हो? ये तो काम नहीं दिया तुम्हें। माइनस ए साइन एक्स चाहिए, यहां पे ध्यान दो प्लीज, यहां पे ध्यान दो। और तुम्हें न्यूमरेटर में माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स चाहिए, ला सकते हो? कोई बोलेगा? जे इंटू बी माइनस आई इंटू ए, जे इंटू नहीं, जे के साथ देखो, साइन एक्स के साथ ए चाहिए, ध्यान से देख, जे इंटू माइनस ए, जे इंटू तो माइन मतलब बी इंटू आई माइनस ए इंटू जे अगर करूं तो क्या फायदा? जीरो से पाई बाय टू क्या मिलेगा? बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स डिवाइडेड बाय ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। क्या फायदा? अगर मैं टी का वैल्यू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स ले लूं तो डी टी का वैल्यू क्या होगा? माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स। तो बी आई माइनस ए जे इज इक्वल टू क्या आएगा बोलोगे? एक्स का वैल्यू जीरो, ए ए क्यों ऐसा करूं? अरे बच्चों वाला काम क्यों करूं, डायरेक्टली अब बताऊंगा तुम लोग को। कुछ कुछ चीजें डायरेक्टली याद रखो। मेरा कहना है अगर तुम्हें कभी भी एफ डैश एक्स डी एक्स के साथ अगर एफ ऑफ एक्स मिला तो डायरेक्टली बोल सकते हो ये लॉग होगा। अगर तुम एफ ऑफ एक्स को टी ले लेते हो तो ये क्या फॉर्म हुआ बोलो? ये सब चीजों को याद रखोगे प्लीज। हाँ, डी टी बाई टी, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया बोलो? लॉग ऑफ मॉट टी। लॉग ऑफ मॉट टी का मतलब लॉग ऑफ क्या? एफ ऑफ एक्स। तो अगर ये डिफ्रेंसिएशन है नीचे वाले का, क्या डायरेक्टली बोल सकते हो इसका, इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा यहां से मोटिवेट होके? टेक योर टाइम। लॉग ऑफ माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स, लॉग ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, बी साइन एक्स डिनोमिनेटर का जीरो से पाई बाय टू। तो अगर वैल्यू डालोगे तो पाई बाय टू डालोगे तो एल एन बी माइनस एल एन मॉड ए। तो हेंस तुम्हें क्या क्या मिला? तुम्हें ए आई प्लस बीजे का वैल्यू मिला पाई बाय टू, और तुम्हें बी आई माइनस ए जे का वैल्यू मिला एल एन मॉड बी डिवाइडेड बाय मॉड ए। आगे छोड़ दूं, सॉल्व करके आई और जे निकाल सकते हो या नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। तो मगर मैं कहता हूं इससे पहले जरा ये वाला चीज लिख दो तो, क्योंकि ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। एफ डैश एक्स डी एक्स के साथ अगर तुम्हें एफ ऑफ एक्स मिलता है तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स। मैं प्लस सी अभी नहीं लिख रहा हूं। हाँ, तो जैसे अगर मैं तुमसे कभी बोलूं कि कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स, तो डायरेक्टली बोलोगे आंसर क्या होगा? वन प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन। अब मैं एंट्रेंस लेवल में हूं, हाँ आज से मैं एंट्रेंस लेवल में हूं, तो एल एन ऑफ वन प्लस साइन एक्स। हाँ ठीक है। तो वैसे ही अगर अब मैं तुमसे कभी बोलूं कि तुम्हें अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स दिखता है तो क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एफ ऑफ एक्स? तो क्या ये एफ स्क्वायर एक्स बाय एक्स नहीं हो जाएगा टू? अरे अगर मैं इसको टी ले लेता हूं, अगर मैं एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स को टी ले लेता हूं तो ये इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी होगा ना, और इसका फॉर्मूला क्या था? टी स्क्वायर बाय टू। मतलब तुम्हें अब कभी टेन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स देख ले तो डायरेक्टली आंसर बोल पाओगे क्या होगा? क्या ये टेन एक्स का डिफरेंशिएशन है? टेन एक्स का होल स्क्वायर बाय टू। तो ये लिख लोगे क्या? मतलब कभी कभी ऐसे भी सोचना ऑब्जेक्टिव में बेहतर है, सब्जेक्टिव में मार्क्स कट जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो मतलब क्या है ना कि तुम लोगों को एग्जाम देना होगा
जैसे तुम लोग ने जिन लोगों ने कल एग्जाम दिया उन्हें लगता है कि सर मुझे और एग्जाम देना है, तो हर समय मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन एग्जाम बनाना। मगर देखो 2017 का जो बैच है उसमें भी मैंने एग्जाम लिया होगा, 2018 के बैच में एग्जाम लिया है, 2019 के बैच में एग्जाम लिया है, तो मेरे पास एग्जाम पेपर बहुत पड़े रहते हैं। कई बार उसका डिटेल सॉल्यूशन मगर नहीं होता, मैं इतना बोल देता हूँ। हाँ, तो तुम लोग मुझे बोल सकते हो सर इंटीग्रेशन का और दो पेपर भेज सकते हो क्या? मैं 2019 लास्ट ईयर वाला पेपर तुम्हें भेज दूंगा, लास्ट टू लास्ट ईयर वाला पेपर भेज दूंगा, घर में बैठ के और एक बार बना के देख लेना। तो तुम्हें बोलना होगा, ठीक है, तुम्हें बोलना होगा। मतलब तुम लोग के साथ और एक प्रॉब्लम है कि तुम लोगों ने मुझसे ज्यादा मिले नहीं, अभी तक तुम लोग खुले नहीं हो, जरा खुलना होगा तुम लोगों से। अच्छा लिख लिया, ऊपर जाता हूं, लिखना है तो लिख लो। और फिर से कहता हूं थोड़ा लिखो, मैं फिर से कहता हूं थोड़ा लिखो। तुम लोगों का ही कोई फ्रेंड होगा, बस दिखाना चाह रहा हूं तुम लोग का ही कोई फ्रेंड होगा। देखो ये व्हाट्सएप में मैसेज है, तो ये चीज करो ना रे मेरे साथ, ठीक है, कि करो ना, ठीक है, कि हाँ सर भेज दीजिए सर, एक्स्ट्रा भेज दीजिए सर, और करेंगे, तो प्लीज करोगे मेरे साथ? हाँ, ठीक है सर, प्लीज अपलोड सम प्राइवेट टेस्ट सर, मीन्स एन एडवांस पैटर्न, ठीक है, चलो। और बहुत हाई लेवल में नहीं, मगर अभी जो मैं इंटीग्रेशन वाला लेवल बता रहा था, इस लेवल में मेरे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी डीपीपी है, बस ये बता देता हूँ। बहुत हाई लेवल में नहीं है रे, ठीक है, वो क्योंकि जरूरत नहीं था मुझे, मगर बेसिक लेवल का मेरे पास आ गया है साथ में। हाँ, तो वो भी मेरे पास है, वो भी तुम मुझसे मांग सकते हो। चलो आगे चलो, सुनने में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है आगे चलूं? हाँ सर। ठीक है चलो, आज थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ तुम लोग का। हाँ, तुम बोलोगे सर पढ़ाने से ज्यादा आप कुछ बता रहे हो, बस थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। तुम लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक मैंने ये भेजा था, ये वाला आर्काइव मिला है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोर्ड लेवल आर्काइव मिला है सर। वहां पे थॉट जो था, इस थॉट का जरा मीनिंग बताना है, क्योंकि ये थॉट कई लोग बोलोगे कि सर ये जो थॉट है वो थॉट आपका पेसिमिस्टिक थॉट है। Always look for how much progress can be made rather than perfection. समझ में आ रहा है? मतलब मैं फिजिक्स का एग्जाम्पल अब दे रहा हूं, ठीक है, मैथ्स बहुत दे दिया, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा जब खत्म हो जाएगा उसी के बाद मैं मैग्नेटिज्म में जाऊंगा, नहीं कि सब बन जाए जेई मेन्स जेई एडवांस एनसीईआरटी सब जब खत्म हो जाए, नहीं, दिसंबर तक जाते जाते फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि मेरा कोर्स खत्म नहीं हुआ है। मतलब मेरा यह कहना है कि अगर तुम्हारा बोर्ड लेवल का 70% सम
और एंट्रेंस के आर्चाइव का 50% सम्स बन जाता है, तो तुम आराम से एओडी को छोड़ के डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जा सकते हो। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो मैंने कुछ ज्यादा ही बोला कि अगर बोर्ड के सम्स बन जाते हैं और एंट्रेंस के सम और कम बन जाते हैं, क्योंकि ये जरा वोलेटाइल टॉपिक है 40%, तो तुम एओडी में जा सकते हो। तुम बोलोगे सर फिर परफेक्शन कब आएगा? क्यों नहीं आएगा? जब कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या बैठे के बैठ के क्या राम नाम लोगे? भजन कीर्तन तो नहीं करोगे ना? उसके बाद तो तुम्हें रिविजन सीट मिलेगा, मेरा रिविजन क्लास चलेगा। तो ये वो लैंग्वेज है, मतलब ये वो लैंग्वेज है कि अभी तुम अपने प्रोग्रेस को देखो कि क्या तुम कितना चैप्टर खत्म। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10% में होना चाहिए रे, मैं फिर से कह रहा हूँ मेरा बोर्ड का 70% मैं कह रहा हूँ, हाँ इस चीज को याद रखो। हाँ कि मेरा ये कहना है कि अभी तुम प्रोग्रेस बनाते जाओ, प्रोग्रेस बनाते जाओ, प्रोग्रेस बनाते जाओ, फिर जनवरी फरवरी मार्च के महीने में तुम परफेक्शन बना लेना। मतलब इसे दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो। मतलब तुमने कल जब मेरा एग्जाम दिया और तुम्हारा मार्क्स बहुत कम आया, तो श्योर शॉट है कि तुम बोलोगे सर कि मैं परफेक्शन नहीं बना पाया। मगर जब तुमने पोस्ट एनालिसिस किया तो तुमने अपने अंदर एक प्रोग्रेस किया। तो अभी थिंक अबाउट प्रोग्रेस, परफेक्शन का टाइम आएगा। चलो आगे चलते हैं, हो गया आज और नहीं अभी। चलो ये तो मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था बोर्ड लेवल में, मगर बोर्ड लेवल में क्योंकि बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है तो थोड़ा एंट्रेंस लेवल में बताना चाहता हूँ। रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन नाम का एक चीज, आई इज इक्वल टू 0 to π dx/1 cos²x। मुझे मालूम है कि dx/a+b cos²x का तरीका था कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमेटर को डिवाइड कर देता हूं cos²x से, मगर यहां पे जब मैं न्यूमरेटर और डिनोमेटर को डिवाइड करूंगा cos²x से तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 से पाई तक है और cos π/2 का वैल्यू 0 है। मतलब तुम पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी लेके आ रहे हो। आया समझ में? अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद, मतलब इसमें दो पार्ट है, पहले ये समझो कि ये क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि 0 से पाई में cos π/2 आता है। तो सर क्या करेंगे? ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी था जो लिमिट को आधा कर देता है? कोई नाम बोलेगा उसका? क्वींस। तो अब मैं, हाँ मैं ये तुम लोग देखोगे रे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर मैं 1+, क्योंकि कॉस का इवन पावर है, तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ f(π − x) = f(x)? लिखूंगा ही मैं। हाँ, और अगर मैं 1 में क्वींस लगा दूं तो क्या होगा बोलो? 0 से π/2 टू टाइम्स ऑफ, और अब मैं डिवाइड कर सकता हूँ, कोई बोलेगा क्यों? अब न्यूमरेटर डिनोमेटर को डिवाइड कर दो, क्योंकि अब तुम्हारा जो इंटरवल है वो ओपन इंटरवल 0 से π/2 तक है, जो पॉसिबल है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। अब सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तुम लोग का काम है, ठीक है? मैं बस तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये बोर्ड लेवल का समय। तो स्लो तुम हो सकते हो, स्लो का प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोर्स खत्म करना है तो मैं एक पेस में कोर्स को खत्म करूंगा। तुम स्लो हो सकते हो, मुझे स्लो का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कॉन्टिन्यूटी का प्रॉब्लम है। एक स्लो बच्चा का कोर्स ठीक चलता है अगर वो हर दिन पढ़ता है तो, मगर अगर स्लो भी पढ़ रहे हो हर दिन नहीं पढ़ रहे हो तो कोर्स कैसे अच्छा चलेगा? तब तो कोर्स तुम्हारा पीछे हो जाएगा, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा आ जाएगा तुम्हारा, और एकेडमिक फ्रिक्शन बहुत खराब बात होता है। लिखना है तो लिख लो। और अभी प्रॉब्लम, आजकल का प्रॉब्लम, मतलब ये अच्छी बात भी है, ठीक है? ये मैं खुद, ठीक है कि मैं खुद अपनी बच्ची को दिखाता हूँ, यूट्यूब में इतने अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, वीडियोस का वीडियोस है, जिसका भी बोला अनअकैडमी का वीडियो है। प्रॉब्लम अब क्या हो गया है कि स्टूडेंट को ऐसा फील होने लगा है कि चलो इंटीग्रेशन ठीक है, अभी सर का मैंने नहीं पढ़ा तो मैं बाद में किसी एक जगह से देख लूंगा, यूट्यूब से देख लूंगा। प्रॉब्लम है, तुम यूट्यूब से तो देख लोगे, कॉन्टिन्यूटी कहाँ से लाओगे? तुम्हें या तो तुम हर दिन देखो तब यूट्यूब से, हर दिन सम्स बनाओ, हर दिन सम्स बनाओ तो प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये जो तुम सोच लेते हो कि नहीं ठीक है मेरे पास रिसोर्सेस है मैं बाद में देख लूंगा, तो मार्च के महीने में जब एग्जामिनेशन होगा तो फरवरी के महीने में तुम कितने रिसोर्सेस को देख पाओगे?
ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग चीज हो गया है कि अभी स्टूडेंट को ये लगने लगा है कि मेरे पास बहुत रिसोर्सेस है, मुझे चिंता नहीं है। रिसोर्स को खत्म करने से ही तो होगा ना। मैं कल सुपरमार्केट में चले जाऊं, मैं एकदम वहां से काजू खरीद के लाऊं, किशमिश खरीद के लाऊं, प्रोटीन खरीद के लाऊं और बोलूं कि मेरे मसल्स बन जाएंगे, और बाद में मैं देखूंगी कि अरे बाप रे बाप, 6 महीने के बाद सब एक्सपायरी हो रहा है, सब एक ही दिन खा लूं, नहीं हो पाएगा ना। बॉडी तो नहीं बनेगा, मेरा मसल्स तो नहीं बनेंगे। तो अभी आजकल का हालत वही होने वाला है, हो रहा है स्टूडेंट के साथ। कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, रिसोर्सेस को रखते जा रहे हैं, और फरवरी के महीने में सोचेंगे कि अरे एक्सपायरी हो रहा है, मार्च में एग्जामिनेशन है, तो सब कुछ एक ही बार देख लूं। अपसेट स्टोमक, बर्बाद, खेला खत्म। आगे चलूं, सुनाई दे रहा है? आगे चलूं? चलो, ये रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन था, और एक जगह रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन है सर, कहां बताता हूं। dx by a plus b cos x में फॉर्मूला मेरे पास था, cos x is equal to 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2। मगर यहां पे एक प्रॉब्लम है, जब तुम cos x को 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2 लिखते हो, तो तुम्हें एक चीज डोमेन में देखना होगा कि तुमने x को 0 से 2 पाई लिया है, तो x by 2 कहां से कहां तक होगा? जीरो से पाई, और जीरो से पाई में तुम जानते हो कि x by 2 is equal to pi by 2 पॉसिबल है, और अगर ये पॉसिबल है तो यहाँ पे tan x by 2 नॉट डिफाइन है। तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन चलेगा या नहीं चलेगा, एक बार ध्यान से देखो, टेक योर टाइम। अगर मैं tan x by 2 बना देता हूँ तो क्या मैं पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी लेके आ रहा हूँ, क्योंकि पाई बाय 2 पॉसिबल है, जीरो से पाई के बीच में मुझे पाई बाय 2 मिलेगा। तो सर क्या करोगे, क्वींस को याद करोगे? क्वींस को याद करने के लिए मेरा कहना है कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 5 माइनस 2 कॉस एक्स लूं, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स भी क्या होगा? 5 माइनस 2 कॉस एक्स। तो अगर मैं क्वींस लगा दूं 1 में तो क्या होगा, बोलोगे? आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 डी एक्स बाय 5 माइनस 2 कॉस एक्स। मुझे हेल्प करोगे? एक्स 0 से, एक्स बाय 2 जो होगा वो 0 से पाई है, नहीं अब नहीं है ना, अब x कहां से कहां तक है, सॉरी 0 से पाई नहीं होगा रे, सॉरी मैंने गलती किया, ये 0 से 2 पाई, आधा कितना हो जाएगा? 0 से पाई, x कहां से कहां तक है? 0 से पाई, तो x by 2 कहां से कहां तक, कोई बोलेगा? 0 से पाई by 2। अब 0 से पाई by 2 में तो tan x by 2 हर समय डिफाइन है, हाँ या ना? हाँ सर। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम ये काम कर सकते हो, क्या i को वैल्यू लिख सकते हो 2 0 से पाई dx by 5 minus 2 cos x के बदले 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2। आगे ऊपर लेके जाके करना होता है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूँ। आगे चलूं, मैं लिख लो पहले, सॉरी लिख लो इसको, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में आ रहा हूं। आगे चलूं?
सर वो f ऑफ ट्वाइस पाई माइनस x होगा ना और 2 पाई माइनस x इसीलिए मैंने नीचे भी गलती कर दिया था आगे चलूं चलो जीरो से वन बाय टू डी एक्स बाय कुछ याद आ रहा है नीचे वन माइनस एक्स उसका दिख रहा है एक्स को साइन थीटा तो ये कैसे चेंज होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर के लिए तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा ही था तो ये हो जाएगा जीरो के लिए जीरो वन बाय टू किसके लिए था पाई बाय सिक्स डी एक्स के लिए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाय वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा मुझे कोई हेल्प करेगा क्या होगा ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा तो कॉस टू थीटा ऊपर जाके क्या बन गया सेक टू थीटा इसका तो भैया फॉर्मूला ही था लेना तो सर ये सम क्यों कराया आपने मैं तो बोल ही रहा हूँ आज मैं मोमेंटम देना चाहता हूँ लास्ट क्लास में बोर्ड लेवल का दे रहा था आज एंट्रेंस लेवल का दे रहा हूँ थोड़ा सा लिखना है तो लिख लो हालांकि बाद में जाके थोड़ा टिपिकल समय जाऊंगा क्योंकि कोर्स भी खत्म करना है मगर मैं तुम लोग को थोड़ा सा क्योंकि काफी टफर थ्योरी सिखाना है तो तुम लोग ना डरो उसके लिए मैं पहले ये सब चीज दिखा दूं कि हाँ ऐसे भी सम्स आते हैं ठीक है जहां पे तुम ये नहीं बोलोगे कि ये सब सम्स ज्यादा टफर लेवल में है फिर उसके बाद वो सम्स कराऊंगा जो देख के तुम्हें डर लगेगा कि हाँ बाप रे वैसे भी सम्स आते हैं तो ठीक है वो सम का परफेक्शन ठीक है 60% डेफिनेट इसी टाइप में है 40% डेफिनेट अगर वो है तो ठीक है टाइम भी तो है ना हमारे पास करने के लिए करत करत अभ्यास जरमती हो सुजान आगे चलू आगे चलू चलता हूं अब देखो कभी कभी 100% बोर्ड लेवल का सम होता है और मैनिपुलेशन जो होता है वो क्लास 9th लेवल का होता है कभी कभी मतलब तुम्हें आंसर में मैनिपुलेट करना पड़ता है तो तुम बोलोगे सर मतलब मैं बताता हूं I का वैल्यू मैं ले रहा हूं जीरो से लेके 2008, 3x square minus 8028x plus 2007 का होल स्क्वायर 1 by 2008 into dx. दो मिनट रुको तो मुझे काम है जरा चीज करना भूल गया था दो मिनट रुको हाँ दो मिनट रुको कुछ ये लिखो आंसर बड़ा सुंदर है 2009 कैसे आता है बताऊंगा अभी I इज इक्वल टू डायरेक्टली बोलो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे मालूम है तुम सब लोग जानते हो 3x³ / 3 जीरो से लेके 2008 माइनस 8028 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस 2007 के होल स्क्वायर का ये तो कांस्टेंट है तो एक्स आ जाएगा जीरो से 2008 प्लस 1 बाय 2008 में एक्स कांस्टेंट है तो जीरो से 2008 ये 3 कैंसिल हो गया तो ये क्या देगा 2008 का होल क्यूब माइनस ये क्या देगा 2 को अगर 802 इससे कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 4014 तो 4014 इंटू 2008 का होल स्क्वायर प्लस 2007 का होल स्क्वायर इंटू 2008 प्लस ये 201 बाय 2008 इंटू 2008 माइनस जीरो क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है
2008 को कॉमन ले लो तो क्या आया 2008 का होल स्क्वायर, ये डिवीजन में नहीं है रे, किसी किसी को लगेगा सर ये फ्रैक्शन आप कहां से लेके आ रहे हो, हाँ नीचे मैं कॉमन ले रहा हूँ, मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आया 2008 का होल स्क्वायर माइनस, अब मुझे बोलो क्या मैं 4014 को कुछ लिख सकता हूँ, हाँ क्या 2 × 2007, और अब मुझे बोलोगे क्या तुम्हारा दिल खुश हुआ, टू जीरो जीरो एट आएगा एक इंटू प्लस 2007 का होल स्क्वायर, क्या किसी का दिल खुश हुआ, हाँ सर ये देख के क्या 2008 इंटू 2008 माइनस 2007 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो मेरा कहना है कि नहीं, मैं जानता हूं कि इनडेफिनिट टफ है, मैं नहीं कह रहा हूं कि इनडेफिनिट आसान है, सॉरी डेफिनिट, मगर डेफिनिट का एक ऐसा पार्ट भी है, और तुम इस पार्ट को क्या बोलोगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो ये सब पार्ट तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आएगा, 100% आएगा, मगर वही वाली बात है ना कि तुम्हें टाइम फ्रेम लेना होगा, कि तुम्हें उसका इजी पोर्शन भी देखना होगा, टफर पोर्शन भी देखना होगा, लास्ट में जाके पढ़ोगे केवल पास्ट ईयर, सर पास्ट ईयर केवल बनाने से होगा क्या, पास्ट ईयर केवल बना के देखोगे टफर सब में केवल फंसने लगोगे, इजियर सब उसके बाद दिमाग में नहीं आएगा क्योंकि टफर समय ज्यादा फंसने लगोगे, तो अभी चीजों को थोड़ा डिस्टिंग्विश करना इंपॉर्टेंट है किसी किसी टॉपिक में, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, डेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ, सर्कल्स हुआ, जहां पे हम ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि आसान टॉपिक और डिफिकल्ट टॉपिक की कैसे समझाते हैं, और फिर उसके बाद एज अ होल प्रोग्रेस अपना बनाते हैं। आगे चलूं? नहीं सर, बस ये करो। ठीक है। दो मिनट लिख लो, आराम से लिख लो। हाँ चलो जैसे अब ये सब सब है, अब ये सब सब करते करते इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि दिमाग में आ जाता है क्या करना है,
अगर इस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा? क्लियर है सर? आपने कुछ समझाया नहीं। अरे ये सब समझाने वाला टॉपिक ही नहीं है क्या? इसमें कुछ कैंसिल होगा? मतलब तुम लोग में से कईयों को क्या डाउट होता है कि ये करने के बाद मैं सोच रहा हूं, मगर समझ में आया ये सम देखते ही मेरे दिमाग में ये आया है, करने के बाद नहीं सोच पाओगे। अब मुझे बोलो 4 बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में क्या dx बाय एक्स क्यूब आएगा? हाँ सर, हाँ सर, वही। मगर समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे आके सोचोगे या फर्स्ट स्टेप में ही मैं सोच के ये काम कर रहा हूं? फर्स्ट स्टेप में ही सोच के ये काम होता है। सम को देखते ही ब्रेन में गिरता है कि ये टॉपिक आना पड़ेगा। सर कैसे पता चलेगा? अरे यार मेहनत करना, कैसे पता नहीं चलेगा? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं क्या होगा बोलोगे? तो क्या फायदा? तब मुझे बोलोगे आई कैसे चेंज होगा, लिमिट कैसे चेंज होगा? बोलो यहां से अगर x का वैल्यू 2 दोगे तो t का वैल्यू 0, अगर x का वैल्यू डॉट t डालोगे तो 1/4 √3/2, तो i का वैल्यू 0 से लेके √3/2 √1 − 4x² के बदले t, यहां पे दे रहा हूं रे इस वाले में दे रहा हूं हाँ, और dx बाय x क्यूब के बदले −t/4 dt, वो तुम लोग का काम है निकालना, किसी को निकालना है तो देख लो फिर आगे चलते हैं। सर वहां पे माइनस नहीं होगा ना सर? ये माइनस उस साइड गया, ये वाला माइनस। सर 4x/x² का −4x/x² का डिफरेंस है। ओह ये माइनस था तो ये प्लस था, तो नहीं होगा ना, तो ये प्लस ऑलरेडी हो गया, ये प्लस है तो ये प्लस, लिखना है तो लिख। आगे चलूं? नहीं सर रुक जाए था। आगे चलो लिख लो। सर हो गया।
ठीक है चलो दो मिनट रुको जस्ट दो मिनट रुको। हाँ मैं लास्ट क्लास में तुम लोगों को क्या करा है मुझे एक बार वो देखने का देख रहा हूँ मुझे याद है कि कोई भी एंट्रेंस नहीं करवाया था मेरे एक बार बोर्ड लेवल में ही था मैं पूछते जा सर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो आपने डिफरेंशिएट किया वो अलग पार्ट पर समझाइए ना मैं बता रहा हूँ हाँ बोल क्या कौन सा बोल क्यों 4/x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन थे ना 4 × x^-2 का इंटीग्रेशन क्या होगा सॉरी सर मैं इंटीग्रेट कर दिया था वो होता है इसलिए चलो कोई चिंता नहीं है चलो अब मैं तुम लोगों को अभी भी मतलब अच्छा लगेगा मगर अब मैं तुम लोगों को प्रॉपर्टी बेस्ड सम्स कुछ करवाऊंगा जैसे प्रॉब्लम अच्छा एक बात पूछना है तुम लोगों से मुझे हाँ अगर तुम लोग रेडी हो तो देख लो हाँ क्योंकि बैचेस पैरेलल चल रहा है तुम लोगों का और बाकी बैचेस का और स्टूडेंट धीरे धीरे सब बैचेस में बहुत कम आ रहे हैं मैं अगर जैसे मैंने A2 और A3 को मिला दिया है हाँ कॉम्बाइन क्लास ले रहा हूँ ताकि मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिले तो मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर्स और ये सब तुम लोग को दे पाऊँ अगर मैं मंडे वाला क्लास देखो किसी को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हाँ ट्यूसडे 4 to 6 वाले बैच के साथ मिला दूं और थर्सडे 6:30 to 8:30 वाला क्लास फ्राइडे 4 to 6 के साथ मिला दूं क्योंकि पैरेलल चल रहा है चलेगा किसी को प्रॉब्लम है सर मेरा दूसरा क्लास रहता है अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाएंगे क्या वो इसमें आ पाएंगे वेडनेसडे 4 to 6 और सैटरडे 6:30 to 8:30 मतलब ये मेरा A1 बैच है और ये मैंने A2 और A3 को जो कॉम्बाइन कर दिया वो बैच है क्या जो जिसको यहाँ प्रॉब्लम है वो यहाँ आ पाएगा मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ देखो धीरे धीरे यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट हो जाएंगे जैसे जैसे अभी स्कूल का हाफ रेली आएगा ना कभी 2 स्टूडेंट आ जाएंगे तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है मैं कहीं भी तुम लोगों में आज कितने बंदे आए हो 8 बंदे आए हो मैं 8 के कमिटमेंट का कहीं प्रॉब्लम बात नहीं बोल रहा हूँ ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि तुम्हें ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि तुम जब यहां पे खड़े रहते हो तो तुम ये देखते हो मगर जैसे जैसे तुम आते जाओगे अक्टूबर के महीने में तुम्हें ये दिखेगा जो स्टूडेंट ऐसा पार करके चला गया उसका बेरा पार वो निकल गया ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जैसे जैसे आगे इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी तो नहीं तो मैं यही बैच लूंगा तो जिसको क्या मैं ये मर्ज कर सकता हूं जैसे उस बैच में भी 11-12 बंदे आते हैं इस बैच में 8 बंदे आते हैं तो मिलके 20 बंदे के आसपास हो जाओगे किसी को प्रॉब्लम है मैं नाम लेके नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम है तुम लोगों में से किस किस को प्रॉब्लम है पहले ये बोलो प्रॉब्लम वाले बंदे बोलो नॉन प्रॉब्लम वाले बंदे को बोलने का जरूरत नहीं है एकदम दिल खोल के बोलो रे मैं फिर से कह रहा हूँ एकदम दिल खोल के बोलो हाँ किसी को ये नहीं बोलना हाँ किसी को प्रॉब्लम है बोलो मुझे सर ट्यूजडे फ्राइडे वेडनेसडे और सैटरडे तो मैं निश्चय क्या शिफ्ट कराई दूं तुम्हारा नाम मैं E2 बैचर लॉगआउट लगाई दी और किसी को प्रॉब्लम है सर मेरा पहला वाला लगा दीजिए
हिया को यहाँ पे लगा दूं। हाँ सर, मेरा भी ट्यूसडे और फ्राइडे को लगा। समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है मतलब धीरे धीरे बंदे बहुत कम हो जाएंगे। तो और मेरा ये प्रॉमिस है, मेरा ये प्रॉमिस है कि तुम्हारा टाइम तुम्हारे पास ही जाएगा। मतलब मेरे पास तो और एक सुंदर सा आइडिया है, मगर वो अगर तुम लोग मानो तो तुम लोग इस बैच के साथ अटैच हो जाओ, और तुम्हारा जो मेन टाइमिंग है यहाँ पे मैं क्लास 11 का कोर्स शुरू कर दूं, सप्ताह में 4 क्लास। हाँ सर वो कर सकते हैं सर। सर वो भी चलेगा। ज्योतिषमान तुम्हारा बात नहीं सुनूंगा, तू अभी, मैं जानता हूँ कि तू अभी ज्यादा फ्री है, इसलिए मैं ठीक है, मैं बाकी लोग समझ में आया। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, हाँ टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, सोचो। समझ में आया? मतलब मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा क्लास नहीं करना चाहता हूँ रे। इससे क्या होगा कि मेरा, मेरे ऊपर जो एक इल्जाम आता है कि नहीं सर, रुपेश सर आप स्किप करना चाहते हो, मैं स्किप नहीं करना चाहता हूँ। मेरा कहना है कि तुम उस बैच में आके क्लास 12 करते रहो, और यहाँ पे मैं एल्जेब्रा शुरू कर देता हूँ। और ये जो मैं तुम लोगों का जो एल्जेब्रा शुरू करूंगा, ये मैं मेरे पुराने स्टूडेंट्स को भी बोल दूंगा। तो हो सकता है कि, मैं जानता हूं कि अभी 10 में से 4 बंदे हो सकता है एल्जेब्रा करने, यहां से भी अगर 4 बंदे आ जाए तो 8 बंदे हो जाओगे। अगर और भी कुछ बंदे को ले, कुछ ड्रॉपर भी अगर आ जाए तो ड्रॉपर्स को भी मैं लेके आ जाऊंगा यहाँ पे। क्या बोलते हो? ठीक है, तो एक एक करके करता हूँ। तो पहले मर्ज करवा दे रहा हूँ, ठीक है, इस वीक में। तो मर्ज करके एक बार देख लेता हूँ, और नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट नहीं और नेक्स्ट वीक से मैं 11 शुरू कर दूंगा, एल्जेब्रा से शुरू करूंगा। मगर समझ में आया? एल्जेब्रा से इसलिए शुरू करूंगा क्योंकि ये वाले टॉपिक में तुम्हें थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा घर में। अभी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब टॉपिक में तुम्हें थोड़ा कम मेहनत करना होगा जब मैं अभी कराऊंगा। तो ठीक है, तो अब मुझे बोलो मर्ज में मुझे नाम बोल दोगे A1 में, बाकियों को मुझे A2 वाला नाम बोलो। बाकी A1 वाला बैच मैं इस ग्रुप में भेजूंगा, तो इसलिए A1 वाला नाम बोलने का जरूरत नहीं है। A2 वाले में कौन कौन आएगा? निश्चय और सर मेरा। नाम बोलो। विधि। विधि, विधि सर, ज्योतिषमान सर, ज्योतिषमान आएगा इसमें। और बाकी लोग A1, तो ये बाय डिफॉल्ट होगा, ये वाला सबके पास जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट होगा। हाँ, और इन 3 बंदों को मैं यहाँ पे शिफ्ट करवा दूंगा। चलो ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाओ तो मैं क्लास 11 शुरू कर दूंगा तुम लोग का। तो बेटर है हम लोग 11 जल्दी खत्म कर पाएंगे तब, ठीक है। मैं जान रहा हूँ अभी सब लोग अभी नहीं सोच रहे हो इतना ज्यादा एंट्रेंस का, मगर ना ये वाला ना अपने टेबल के आगे ये वाला डायग्राम एक बार बना के रख देना, ये बड़ा ठीक है। ये वाला एक डायग्राम बना के अपने टेबल के आगे रख देना, कुछ कुछ डायग्राम बहुत अच्छा डायग्राम होता है। ये डायग्राम पीरियोडिक टेबल के साथ मैथ्स का ये डायग्राम लगा देना, ताकि तुम जब भी ज्यादा एंट्रेंस देखो तो ये डायग्राम देख के तुम मोटिवेट हो कि हाँ, ये कॉमन नियम है कि स्टूडेंट केवल बोर्ड तक देखता है, मगर मैं छिड़क के ऊपर जाके एंट्रेंस लेवल में जाऊंगा। चलो आगे चलता हूं। चलो यूज ऑफ साथ में, और एक चीज मैंने आज बोला है, हाँ जिस टाइप से मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का टॉपिक वाइज डीपीपी दिया है, उस टाइप से मेरे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी है। किसी को अगर चाहिए होगा तो मुझे बोलोगे तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। वो मुझे, मेरे पास नया है ये वाला, हाँ बहुत हाई लेवल में नहीं है, मगर एक पर्टिकुलर लेवल में है। 1/2 से 2, 1/x sin x - 1/x dx, दिल खुश हो जाएगा। नहीं सर देखना, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा, बस मुझे करने दे एक बार। हाँ, लेट एक्स इक्वल टू 1/t ले लेता हूँ, तो मुझे बोलेगा dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, -dt/t2। लिमिट कैसे चेंज होगा? देखो अब मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार ऐसे x इक्वल टू लिखना वो एंट्रेंस लेवल नहीं है। ये 1/2 क्या हो जाएगा डायरेक्टली बोलो,
x is equal to 1 by t है, 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा? 1 by 2, ये 1 by x क्या हो जाएगा? ये वाला ये substitution है, x 1 by t है, तो 1 by x t हो जाएगा, sin, x अगर 1 by t हो गया, तो 1 by x क्या हो जाएगा? t, और dx क्या हो जाएगा? minus dt by t square, यार ये minus कुछ करता था क्या, reverse करता था क्या? हाँ सर, क्या टी डमी था? और सर ये मैंने गलती लिखा रे, सॉरी, ये टी और ये टी स्क्वायर है तो कैंसिल होगा, तो ये 1/t आ जाएगा, ठीक है, ये वन, ये यहां से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, टी इज डमी, तो टी के बदले क्या लिख सकता हूं? 1/x sin 1/x minus x dx. यार ध्यान से एंगल को देखोगे क्या, ये x माइनस 1/x है, ये 1/x minus x है, और मैं जानता हूं कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो i इज इक्वल टू 1/2 से लेके 2, 1/x minus कॉमन ले लेता हूं, x minus 1/x dx, कंसेंट्रेशन केवल दो जगह लगाओ, कहां सर? ये 1 में और ये 2 में, कुछ अच्छा लगा? ये माइनस को छोड़ो, क्या ये रिपीट कर रहा है? हाँ सर, क्या ये, तो इसका मतलब क्या आई इज इक्वल टू माइनस आई आया? हाँ सर, मतलब ट्वाइस आई का वैल्यू 0 आया, मतलब आई का वैल्यू 0 आया, खेला खत्म, किसी को लिखना है तो लिख लो। तो यही करता हूं, हाँ, नेक्स्ट वीक से मतलब मेरे कुछ ड्रॉपर, क्योंकि अलजेब्रा जो है वो तो हम लोग उसी टाइप से करेंगे, मतलब क्योंकि अलजेब्रा में तो बोर्ड लेवल मुझे करवाना नहीं है, क्योंकि बोर्ड लेवल तुम लोग करके आए हो, और घबराओ मत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेसिक लेवल नहीं कराऊंगा, मगर जब मैं क्लास, ध्यान से सुनो, जब मैं क्लास 11th कराता हूँ 12th में, तो अभी मैं जैसे बोर्ड और एंट्रेंस को अलग अलग करता हूँ, वहां पे मैं बोर्ड और एंट्रेंस को अलग अलग नहीं करूंगा, पहले बेसिक कराऊंगा फिर एंट्रेंस में जाऊंगा, समझ में आया ना? बोर्ड लेवल एकदम बोर्ड लेवल करा के फायदा नहीं है, वो तुम लोग पढ़ के आए हो, तुम बोलोगे सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा भी याद नहीं है, एकदम फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से शुरू करूंगा, मगर बोर्ड नहीं लिखूंगा मैं, अब उसे बेसिक्स लिखूंगा मैं, बस वही अंतर होगा। हाँ, तो एज अ होल मैं तुम लोगों का जो ये टाइमिंग है, तुम लोगों के स्लॉट में मैं क्लास 11th को लेके चले जाता हूँ, और तुम लोग शिफ्ट कर जाओ तो वहां पे क्लास 12th तुम लोग का होते रहेगा, तो कोर्स का पेस भी एक अच्छा हो जाएगा तुम लोगों का, ज्यादा प्रेशर फील होगा तो अगर 11th अभी नहीं करने से भी ज्यादा होगा, चिंता मत करो, एक बार 12th का कोर्स खत्म हो जाने दो, उसके बाद तुम लोग 11th कर देना, ठीक है, मगर थोड़ा सा प्रेशर में रहना भी इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है, और तुम लोग को अगर ऐसा लगता है कि नहीं सर मुझे केमिस्ट्री में ज्यादा अच्छा करना है, तो ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, तो मुझे मैथ्स एंट्रेंस का 11th कभी नहीं पढ़ना है, तुम लोग को लगता है नहीं सर मुझे फिजिक्स के साथ मैथ्स का भी कुछ डीपीपी, केमिस्ट्री का भी डीपीपी दीजिए, मुझसे मांगो, मैं भेजूंगा तुम्हें, तुम्हें दिखाया मैंने मैसेज, हाँ, मगर उसे पर्सनल मत लेना कि सर मुझे 4 बार आपको याद दिलाना पड़ता है, याद दिलाना पड़ेगा यार, मैं अकेला आदमी हूं, मैं सब काम कर रहा हूं, तो मेरे दिमाग से निकल जाता है, मैं अगर माइंड नहीं करता हूं कि तुम मुझे 4 बार मैसेज करो कि सर सेंड मी द डीपीपी, सेंड मी द डीपीपी, तो तुम्हें लिखने में क्या प्रॉब्लम है कीवर्ड से, सर सेंड मी द डीपीपी अगेन 4 बार, ठीक है, इसे ईगो में नहीं लेना है कि सर मैंने 4 बार आपको मैसेज किया आपने नहीं भेजा है, आगे चलता हूं, लिख लिया है? यस सर, लिख लिया। हाँ सर, लिख लिया। ठीक है, तो ये ट्रिक है सर, कैसे पकड़ेंगे, अब बताने के लिए तो बता सकता हूँ, देखो ये x 1/x है, 1/2 d2 है, मगर मेरा कहना है कि करत करत अभ्यास जरमती हो सुजान, ठीक है, ये सब ट्रिक है, अननेसेसरी यहाँ पे मैं तुम्हें ऐसा नहीं बताना चाहता हूँ, करते करते तुम्हारे ब्रेन में सबकॉन्सियस माइंड तुम्हें बोलने लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा, टाइम तो हर समय जिंदगी में देना पड़ता है, हर चीज को देना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करो बस। फाइंड अल्फा माइनस बीटा, सम लिख दो तो एक बार, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा,
चलो आगे चलो, सुनने में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा जीरो का रेसिप्रोकल वन बाय जीरो क्या? मुझे मालूम है तुमसे पूछ रहा हूँ, इन्फिनिटी। और वन बाय इन्फिनिटी क्या? जीरो। तो मैं जीरो से इन्फिनिटी के बीच में हूँ, जीरो प्लस नहीं, तो ये जीरो प्लस है रे, ये चीज को याद रखना। मैं एक काम करता हूँ, एक्स को वन बाय टी लेता हूँ, अरे ऊपर भी तो लिया था, एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी बाय टी स्क्वायर। तो बोलोगे अल्फा कैसे चेंज होगा, जीरो क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या बन जाएगा? जीरो। जीरो, किसी को डाउट है तो बोलोगे प्लीज। हाँ मगर मैं थोड़ा बोर्ड लेवल में एक दो चीजों को डायरेक्ट लिखना पसंद करता हूँ, सॉरी एंट्रेंस लेवल में। dx के बदले क्या हो जाएगा? माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर। एक्स टी पावर फोर के बदले क्या? ये माइनस क्या करेगा? लिमिट उलट देगा। डी टी बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये वन प्लस सेवन टी स्क्वायर प्लस टी टू डी पावर फोर डिवाइडेड बाय टी टू डी पावर फोर। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, जीरो से इन्फिनिटी ऊपर टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर और टी टू डी पावर फोर में डी टी बाय वन प्लस सेवन टी स्क्वायर प्लस टी टू डी पावर फोर। टी इज डमी, तो क्या लिख सकता हूँ टी के बदले? क्या तुम लोगों ने सम लिखा था? मैंने लिखने का टाइम दिया था, कोई रीजन होता है सम लिखने का, ताकि तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाओ, ये कुछ था? किसी ने लिखा है सम? हाँ सर बीटा। तो यही तो बीटा है, देखना रे। तो क्या मिल गया, अल्फा इक्वल टू बीटा। किसका वैल्यू निकालना था देखो, तो अल्फा माइनस बीटा। तो समझ में आ रहा है, ये सब में कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है तुम्हें, बस सब्स्टिट्यूशंस। मगर बहुत कुछ करना पड़ रहा है कि सर पता कैसे चलेगा, उसे तो असाइनमेंट सीट दूंगा। व्हाई यू आर थिंकिंग कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लिखना है तो लिखो। थोड़ा सा नीचे कर दी, आगे चलो? नहीं सर। सॉरी सॉरी, नीचे कर दे रहा हूं। आगे चलो, बोल देना। आगे चलो, अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ सर। चलो
अब इनवर्स ट्रिगो में जरा जाते हैं, जीरो से पाई साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। मैं जानता हूं कि मैंने इनवर्स ट्रिगो अभी तक तुम लोगों का एंट्रेंस सेल में नहीं कराया है, वो कराऊंगा मैं, किसी भी बैच में नहीं हुआ है, मगर तुम्हें थोड़ा सा मैंने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के बारे में जानकारी दिया था और ये सब थोड़ा सा याद रखना होगा, या तो तुम्हें मान के चलना होगा ठीक है, या तो मैं अभी नहीं याद रखूंगा, जब मैं सर करवा देंगे उसके बाद याद रखूंगा, या तुम ये भी सोच सकते हो कि ठीक है कुछ कुछ अभी मैं याद रखूंगा, थ्री पाई बाय टू, तो ये पाई माइनस एक्स। तो देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जीरो से पाई में दो अलग अलग वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जीरो से पाई में टू में दो अलग अलग वैल्यू ले रहा है, जीरो से लेके पाई बाय टू तक ये एक्स हो रहा है, मगर पाई बाय टू से लेके पाई तक ये पाई माइनस एक्स हो रहा है, तो मुझे बोलोगे इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या ये ब्रांचिंग वाला सम नहीं है, हाँ या ना, थोड़ा तो बोलो। तो अब इसका वैल्यू एक थोड़ी ना आएगा, इसका दो अलग अलग वैल्यू है, तो इंटीग्रेट कैसे करोगे, जीरो से पाई बाय टू क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स डीएक्स प्लस पाई बाय टू से पाई क्या आएगा, क्या फायदा, ये तुम्हारे पास सब हो जाएगा जीरो से पाई बाय टू एक्स डीएक्स प्लस ये पाई बाय टू से पाई क्या, पाई माइनस एक्स डीएक्स। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, पॉजिटिव होके मेहनत करो, किसी भी फील्ड में तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हें मुझसे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो प्लीज मुझे बोलोगे। बाय डिफॉल्ट तुम लोगों को पीसीएम का कॉम्बाइन पेपर तो मुझसे मिलेगा ही, तो उसके बारे में चिंता नहीं करना है, मैथ्स के बारे में हर चीज मिलेगा, बस एक ही चीज नहीं दे पाऊंगा डीपीपी, वो जो लोग को डीपीपी चाहिए वो जब मुझे बोलेंगे तब मैं प्रोवाइड करूंगा, सबको भेजने में एक प्रॉब्लम है ठीक है, कि कोई चाहता है नहीं चाहता है, तो उसके लिए तुम लोग मुझे रिमाइंड कर सकते हो बीच बीच में, लिखना है तो लिख लो, मैं आगे चलूंगा। आगे चलो, नहीं हुआ सर, चलो लिख लो।
चलो क्या बोलते हो आगे चलो यस सर चलो हाँ सर आगे चले ठीक है तुम बोलोगे सर इतना चीज मगर सर याद रहना तो बड़ा मुश्किल है हाँ ये गलत बात तो तुम नहीं बोल रहे हो कि याद रहना मुश्किल है इसीलिए मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है मगर याद रखना कुछ चीजें याद रखना होगा रे जो मैंने बताया था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स डी एक्स जीरो से पाई बाय टू तो मुझे मालूम है जीरो से पाई बाय टू वाला तो बोर्ड लेवल है तो इसलिए मुझे बोर्ड लेवल वाला चीज याद है मुझे कंफ्यूजन कहाँ होता है कंफ्यूजन मुझे होता है कि पाई बाय टू से लेके पाई तक ये वाला चीज पाई माइनस एक्स था या एक्स माइनस पाई क्या था सर ये याद नहीं रहता है तो कोई भी एक टेक अ केस केस का मतलब है एक्स को 120 डिग्री ले लो तो ठीक है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 120 डिग्री को तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ साइन 60 डिग्री ये तो लिख सकते हो 120 को तुम लिख सकते हो 180 माइनस 60 मतलब ये 60 डिग्री अब 120 को तुमने 60 बनाया तो ये 120 के टर्म में क्या है 180 माइनस 120 समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं ये कौन सा फॉर्म है पाई माइनस एक्स तो हेंस पाई माइनस एक्स खेला खत्म हाँ या ना कोई कुछ बोलेगा सर कंफ्यूजन है ठीक है जीरो से पाई टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स अब टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स एक्स कब था ये याद है तुम बोलोगे सर याद नहीं है मगर ऊपर वाले से समझ में आ गया है कब होगा ठीक है वही बोल दे उसी को तो बुद्धिमानी कहते हैं मगर सर प्रॉब्लम पाई बाय टू से पाई तक है वेरी गुड टेन इनवर्स ऑफ टेन 120 टेन 120 कितना होता है हाँ या ना कोई बोलेगा क्या होता है मैं चलते रहूंगा मेरा गाड़ी चलते रहेगा तुम बोलते रहो 180 माइनस 60 नहीं बोलोगे टेन अरे सुनाई दे रहा है नहीं पहले ये बोलो हाँ सर हाँ ठीक है माइनस टेन 60 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री इज टेन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री मतलब माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री अब इज इक्वल टू माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री को माइनस 60 डिग्री बनाना है क्या ये माइनस 180 डिग्री प्लस 60 नहीं होगा हाँ या ना तो ये कौन सा फॉर्म है कोई मुझे बोलेगा पाई के टर्म में जब लिखोगे तो ये एक्स है मैंने गलती किया तो ये 120 डिग्री माइनस 180 डिग्री होगा सॉरी इसलिए तुम लोग चुप थे अब बोलो क्या फॉर्म हुआ ये x माइनस पाई तो हो तो गया x माइनस पाई dx आया समझ में तो तुम बोलोगे ओ सर समझ में मतलब बच गया ऊपर वाला याद नहीं रखना है हाँ ये एक बुद्धिमान स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता है चीजों को नहीं कोई भी तुम अरे मैंने कहा कि मुझे ऊपर वाला फॉर्मूला याद नहीं होगा 120 नहीं लेके तुम पाई बाय टू से पाई में कोई भी एक वैल्यू ले लेना रे 135 ले ले तब भी वही होगा मैं कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा हूँ 135 डिग्री तो बोलो टेन इनवर्स ऑफ टेन 135 क्या होगा टेन 135 क्या होता है जानता है माइनस वन होता है तो माइनस वन क्या होता है माइनस 45 डिग्री या प्लस 45 डिग्री बोलो माइनस 45 डिग्री अब माइनस 45 डिग्री है और यहां पे तो ये 135 डिग्री से लिखना है तो क्या इसे लिखेगा 180 माइनस 35 या 135 माइनस 80 135 माइनस 80 तो हो तो गया तुझे पैटर्न मिल गया अब केवल इस दो को ध्यान दे 135 बन गया 135 माइनस 80 तो टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स क्या बनेगा 180 डिग्री माइनस एक्स मगर 180 डिग्री हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि वो पाई में लेके जाते हैं सॉरी 180 नहीं रे ये है 135 माइनस एक्स तो क्या बना अब आया समझ में मतलब मेरा कहना है कि अगर ऊपर वाला फॉर्मूला भूल जाते हो तो ऐसे निकाल सकते हो
आगे चलो. आगे चलो, कोई कुछ बोल नहीं रह रहे. yes, sir. चलो अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो क्या करते हैं. जीरो से पाई बाय टू बॉक्स ऑफ टू साइन एक्स. ध्यान से देखो. हाँ बॉक्स y के ऊपर है, लिमिट x का होता है. y को 2 sin x ले लो 0 से पाई बाय 2 तक. 0 में 0, पाई बाय 2 में 2. तो ग्राफ ऐसा होगा. ये लिमिट ऑफ y है. y कहां से कहां तक लाई कर रहा है देखो. y तो ये है. y कहां से कहां तक लाई कर रहा है. 0 से 2 तक. 0 से 2 तक बॉक्स y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है. 0, 1. 1. और 2 तो लेने का जरूरत नहीं है. 2 एक पॉइंट में ही है तो 2 नहीं लेने से भी चलेगा. अब इसलिए हम लोग कुछ करते थे इनवर्स ट्रिगों में. तुम अगर याद है तो यहां पे 1 निकाल लेते थे और फिर यहां पे 2 निकाल लेते थे. ये x का रेंज है, ये y का रेंज है, ये रेंज ऑफ x है. x अगर मेरा लाई करेगा x तो 1 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कोई बोलेगा क्या होगा. रे ये तो y इक्वल टू 2 साइन x का ग्राफ है ना. जब तुमने y का वैल्यू 1 डाला तो 2 साइन x का वैल्यू 1 डाला, मतलब साइन x का वैल्यू हाफ डाला तो x का वैल्यू 60 डिग्री, मतलब पाई बाय 6. तो अब मुझे कोई बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा. अगर x 0 से पा सर एक बार फिर से शुरुआत पर समझाइए. एक काम करूं क्या, एक दूसरा सम भी समझा देता हूं. ये यहां से या ठीक है थोड़ा सा बता रहा हूं फिर मैं और एक सम करवा दूंगा, घबरा मत. हां y इक्वल टू बॉक्स टू साइन x है. ऐसे में एक प्रॉब्लम होता है. सबसे पहले मुझे बोलेगा ये किसका लिमिट होता है. x का. ठीक है ये तो क्लियर है. और बॉक्स किसके ऊपर है. y के ऊपर. y 2 sin x है. अगर x 0 से पाई बाय 2 तक है तो sin x कहां से कहां तक लाई करेगा. 0 से 1 तो y कहां से कहां तक लाई करेगा. ये समझ में आया. हां सर. अब 0 से y 0 से 2 तक बॉक्स का क्या-क्या वैल्यू हो सकता है. 0 से 1 में बॉक्स का वैल्यू क्या था. 0. 1 से 2 में 1. और 2 के लिए तो लेने का जरूरत नहीं है. 2 से 2 का इंटीग्रेशन 0 होता है. अब ये तो इसका मतलब है, मैंने देखा कि अगर y 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग x क्या होगा. y अगर 1 है तो sin x का वैल्यू हाफ हो जाएगा. ये समझ में आया. हां सर. हां सर. अब मुझे बोल तो अब तू ही बोल अगर बोल सकता है तो. नहीं बोल पाएगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है. x अगर 0 से पाई बाय 6 तक लाई कर रहा है तो y कहां से कहां तक लाई कर रहा है. 0 से हाफ. तो अगर y 0 से हाफ नहीं, ध्यान से देख, y 2 sin x है. यहां पे देख ये वाला देख. और 0 से 1 में बॉक्स y का वैल्यू 0. अगर x पाई बाय 6 से पाई बाय 2 तक लाई कर रहा है, ये x एक्सिस का प्रोजेक्शन है, तो इसका करस्पोंडिंग y एक्सिस का प्रोजेक्शन क्या होगा. 1 कहां से कहां तक. 1 से 2. और 1 से 2 का बॉक्स 1. तो i इज इक्वल टू क्या इसे ब्रेक नहीं करेगा. 0 से पाई बाय 2 बॉक्स y dx. तो ब्रेक करो. पहला y का लिमिट कहां से कहां तक आया. x का लिमिट कहां से कहां तक आया. 0 से पाई बाय 6. तो 0 से पाई बाय 6 में बॉक्स y का वैल्यू इस ग्राफ में देखते जा, इस ग्राफ में देखते जा. और पाई बाय 6 से पाई बाय 2 तो बोलना क्या आया वैल्यू. मुझे बोलेगा 0 और 1.
जीरो से पाई बाय सिक्स में जीरो डी एक्स, आप समझ में आया या नहीं समझ में आया? जी सर बिल्कुल। वेरी गुड, लिखना है तो लिख लो। ग्राफ ऐसे का मतलब ये होता है ग्राफ, 99.9% सम में ग्राफ, डायरेक्ट बोल सकते हो तो डायरेक्ट, नहीं तो ग्राफ। आगे चलूं? हाँ चलो। चलो जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री ही हो, पॉलिनोमियल भी हो सकता है, थोड़ा लंबा पॉलिनोमियल है थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करना होगा। जीरो से टू box of x square minus x plus 1 dx, देख जीरो से टू सॉरी i है ये, तो ये मेरे पास हो गया जीरो से टू बॉक्स y dx। मैं यहां पे जगह छोड़ रहा हूं हाँ लिखने के लिए। मेरा y का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स का वैल्यू जीरो से टू तक। अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो क्या करूंगा, dy वाई बाय डी एक्स, तो आई सेक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू वन बाय टू। तो अगर ये f ऑफ x होगा तो f ऑफ जीरो का वैल्यू वन, f ऑफ टू का वैल्यू टू टू जो फोर प्लस वन फाइव, फाइव माइनस टू थ्री, और एफ ऑफ हाफ का वैल्यू दूसरे बैचेस में निकाला हुआ है, डायरेक्टली लिख देता हूं। एफ ऑफ हाफ मैंने निकाल के देखा था, एफ ऑफ हाफ मेरे पास आता है माइनस वन बाय फोर, एफ ऑफ टू टू आता है, टू टू जा फोर, फोर प्लस वन फाइव, एफ ऑफ टू थ्री आता है, तो मैंने गलती लिखा है एफ ऑफ, ओ ओ सॉरी, एक अलग काम किया था दूसरे बैच में मैंने। कोई प्रॉब्लम नहीं इस बार, हाँ नहीं मगर वो उससे इजी हो जाता है। अच्छा बॉक्स का एक प्रॉपर्टी था तुम्हें याद है, बॉक्स एक्स के साथ अगर नेट इंटीजर होता था तो इंटीजर जो है वो बाहर निकल जाता था, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी था। और ये ठीक है दूसरे बैचेस में ये प्रॉपर्टी मैंने लिखवा दिया था, और प्रॉपर्टी लिखाने से क्या फायदा होता है कि फिर वही रिमाइंड दिमाग में आ जाता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस वन डी एक्स, वन बाहर आ जाएगा, तो माइनस टू से टू, तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स जीरो से टू प्लस जीरो से वन डी एक्स,
तो अब मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, मेरा इंटरेस्ट किसमें है, मेरा इंटरेस्ट अभी है जीरो से टू बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डीएक्स, जिसका नाम है जीरो से टू बॉक्स वाई डीएक्स। तो इसलिए अब मैं वाई का वैल्यू क्या करूंगा, ग्राफ बनाऊंगा। किसका ग्राफ बनाऊंगा बोलोगे, अब मुझे बोलो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए क्या करते थे, पहले डीवाई बाई डीएक्स निकालते थे, तो आइस एक्स माइनस वन क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे और वैल्यूज निकालते थे कहां पे, एफ ऑफ जीरो में, एफ ऑफ जीरो में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जीरो, एफ ऑफ टू में टू और एफ ऑफ हाफ में माइनस वन बाय फोर। तो मैं अगर वाई इजिकल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो जीरो में जीरो, हाफ में माइनस वन बाय फोर और टू में टू, तो बोलो वाई कहां से कहां तक लाई कर रहा है, मुझे कोई बोलेगा, बोलेगा तो अच्छा लगेगा मुझे, वाई कहां से कहां तक लाई कर रहा है, वाई का माइनस वन बाय फोर से टू, माइनस वन बाय फोर से लेके टू तक बॉक्स वाई क्या क्या वैल्यू ले सकता है, माइनस वन, कंफ्यूजन, माइनस वन बाय फोर से जीरो तक बॉक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस वन, यहां पे तो बॉक्स माइनस वन होगा ना रे, तो क्या क्या ले सकता है बोलो ना, माइनस वन से फोर टू तक, माइनस वन जीरो वन वन, माइनस वन तो नीचे है तो इसलिए लाइन नहीं ड्रॉ करने से भी होता, जीरो में ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ है तो एक पॉसिबिलिटी वन है। ये वाई का वैल्यू है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, अगर तुमने वाई का वैल्यू वन डाला इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू वन डाला तो एक्स तुम्हारे पास रूट फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाय, ऐसा मैंने निकाला हुआ क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, हाँ रूट फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाय टू आएगा। तो वन के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू तुम्हें मिला वो मिला रूट फाइव प्लस वन बाय टू। कोई मुझे बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट जब एक्स जीरो होगा, वाई जीरो कब होता है, वाई जीरो होता है जब एक्स का वैल्यू जीरो और एक्स का वैल्यू वन, ये तो वन है। तो मुझे बोलो एक्स अगर जीरो से वन के बीच में लाई करेगा, एक्स अगर जीरो से वन के बीच में लाई करेगा तो वाई कहां से कहां तक लाई कर रहा है, वाई का मतलब ये है कहां से कहां तक लाई कर रहा है, कोई बोल, माइनस वन बाय फोर से जीरो, तो माइनस वन बाय फोर से लेके जीरो तक बॉक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, माइनस वन, माइनस वन बाय फोर, ठीक है। अब बॉक्स माइनस वन होगा, माइनस वन बाय फोर एक इंटीजर नहीं है, माइनस वन होगा, वन से लेके रूट फाइव बाय रूट फाइव प्लस वन बाय टू तक, बोलोगे इसका प्रोजेक्शन क्या है, देखो ना दिमाग में प्रोजेक्शन का मतलब ये लेके जाओ ना, एक्स के लिए वाई का प्रोजेक्शन कहां से कहां तक आ रहा है, बोलोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं ऐसे ही लिखते जाऊंगा, वाई कहां से कहां तक आ रहा है, वन से वन, बोलो बोलो ना यार प्लीज बोलो, हाँ मुझे जानना है कि हाँ मैं जानता हूँ कंफ्यूजिंग है मगर समझ में आ रहा है, ये जानना जरूरी है ना, ताकि जब कल सम करो तो और थोड़ा सा सोच के करोगे तो समझ में आ जाएगा। और वन से टू में क्या आ रहा है, वाई का वैल्यू, तो वन से लेके टू तक तो बॉक्स वाई का वैल्यू वन, तो जीरो से लेके टू तक बॉक्स वाई कैसे, यहां से तो आई इज इक्वल टू, मुझे डायरेक्टली बोलो जीरो से टू तक बॉक्स वाई डीएक्स कैसे ब्रेक करोगे, ब्लू वाला लाइन कहां से कहां तक है, जीरो से वन वन, उसके बाद रेड वाला लाइन, उसके बाद ब्लैक वाला लाइन, तो कहां जीरो से लेके, बोलो सुनने में नहीं आया, जीरो से वन वन, बॉक्स वाई का वैल्यू जीरो से देख माइनस वन, उसके बाद वाला बोल कहां से, वन से कहां तक, रूट फाइव प्लस वन बाय टू, ये रहा हाँ वन से लेके रूट फाइव बॉक्स वाई का वैल्यू, उसके बाद रूट फाइव प्लस वन बाय टू से लेके टू तक, तो हेंस क्या लिखोगे, जीरो से वन माइनस वन डी एक्स, वन से रूट फाइव प्लस वन बाय टू जीरो डी एक्स, रूट फाइव प्लस वन बाय टू से टू तक
वन डी एक्स, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। सर हाँ बोल सर, एक बार वो माइनस वन बाई फोर से लेके जीरो तक वो एक बार समझा दीजिए सर। नहीं वो तो ग्राफ यहाँ से बना ना रे, वो तो ग्राफ से बना। मैंने फंक्शन का क्या क्या वैल्यू देखा, जीरो में फंक्शन का वैल्यू क्या है, जीरो में फंक्शन का वैल्यू जीरो है, वन बाय टू में फंक्शन का वैल्यू क्या है, माइनस वन बाय फोर, माइनस टू में टू। हाँ सर, ये मैंने प्लॉट करके मैंने ग्राफ बना दिया, बस ये मेरा प्लॉटिंग है। ये मैंने प्लॉट किया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ हाँ, क्योंकि छोटा छोटा चीज लिखा है मैंने। किसी को लिखना है तो लिख लो, लिख लो, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो बोले सर ज्यादा समझ में नहीं आया, लिख लो, घर में ट्राई करना, डाउट पूछना, मैं डाउट से भागता नहीं हूं। चार बार ग्राफ खुद बनाओगे, ये ग्राफ को खुद एक बार बनाओ देखो। सर थोड़ा सा नीचे से वो ग्राफ नहीं दिखा दे रहा। चलो आगे। यस सर। अच्छा अब एक थ्योरम है जिसका नाम है वालिस थ्योरम, मगर प्रूफ जो है वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। क्या तुम्हें फील नहीं होता है कि अगर मैं तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला दे दूं कि तुम मुझसे पूछो कि सर साइन टू द पावर 4x साइन टू द पावर 6x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, और मैं डायरेक्टली अगर ऐसा लिख दूं तो ये एक जादू की तरह लगता है, 6 4 into 2 into pi by 2,
तो तुम्हें वही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये केवल साइन और कॉस में लगता है कि अगर तुम्हें कभी भी जीरो से पाई बाय टू साइन एक्स का कोई भी एन डी एक्स दिखे या जीरो से पाई बाय टू कॉस एक्स का कोई भी एन डी एक्स दिखे और एन नेचुरल नंबर हो, तब ये दो वैल्यू होता है। क्या सर? ऊपर वाला एन माइनस वन, उसके बाद एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, उसके बाद एन माइनस फाइव। ध्यान से देखो, दो दो का डिफरेंस है। पकड़ में आ रहा है? मैं ये कहां से आ रहा है ये नहीं बता रहा हूं। सिक्स, सिक्स माइनस वन क्या आया? फाइव। एक बार जब तुमने फाइव लिख लिया तो फाइव थ्री के बीच में कितने का डिफरेंस है? टू का। थ्री वन के बीच में टू का डिफरेंस है, सिक्स फोर के बीच में टू का डिफरेंस है। तो n माइनस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस फाइव, डॉट डॉट डॉट, या तो ये वन में खत्म होगा या तो ये टू में खत्म होगा, होल डिवाइडेड बाय, अब n से शुरू होगा तो n के बाद दो का डिफरेंस, n माइनस टू, फिर n माइनस फोर, डॉट डॉट डॉट, मल्टीप्लाइड बाय वन इफ n इज इवन, सॉरी पाई बाय टू इफ n इज ऑड, इवन इफ n इज ऑड, तब n इज ऑड तो ये वाला सेम है, n माइनस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस फाइव, ये वाला सेम है, नीचे वाला भी सेम है, बस अंतर कहां पड़ता है? अंतर यहां पड़ता है, ये मल्टीप्लाइड बाय वन हो जाता है। मतलब अगर अब मैं तुमसे पूछूं जीरो से लेके पाई बाय टू कॉस ट्री पर सेवन एक्स डी एक्स, कोई मुझे बोलेगा क्या होगा? टेक योर टाइम, ऊपर फॉर्मूला है, मुझे बोलो क्या होगा। रटाना ही है, प्रूफ तो दूंगा नहीं, मगर कोई नहीं बोलेगा तो मैं आगे चलूंगा भी नहीं, बोल देता हूँ। क्या होगा? हाँ, सिक्स एन माइनस वन, एन का वैल्यू सेवन है यहाँ पे, तो एन माइनस वन, तो सिक्स के बाद फोर, फोर के बाद टू, नीचे सेवन, सेवन के बाद फाइव इंटू थ्री इंटू वन मल्टीप्लाइड बाय वन या पाई बाय टू? वन, वन मल्टीप्लाइड बाय वाई बिकॉज एन इज ऑड। आया समझ में? हाँ या ना? आया तो लिख लो। आगे चलो। हाँ सर। वैसे ही अगर मुझे कोई बोले जीरो से पाई बाय टू साइन एक्स का होल क्यूब कॉस एक्स का होल फोर डी एक्स, तब भी मैं बोल सकता हूं। कैसे? थ्री माइनस वन टू होता है, तो टू ही रहेगा, डिवाइड इन इंटू फोर माइनस वन थ्री होता है, तो थ्री इंटू वन, फोर प्लस थ्री सेवन होता है, तो सेवन इंटू फाइव इंटू थ्री इंटू वन मल्टीप्लाइड बाय वन। तो बोलोगे सर समझ में नहीं आया? नहीं, ऊपर जस्ट मोटिवेशन था, समझ में यहाँ पे आएगा। साइन एक्स टू डी पावर एन कॉस एक्स टू डी पावर एम डी एक्स, एन और एम अगर इंटीजर नेचुरल नंबर है तो, दिस इज इक्वल टू एन से शुरू करोगे। हाँ, मतलब कैसे? एन माइनस वन, फिर n माइनस थ्री, डॉट डॉट डॉट, खत्म। ये टू या वन में खत्म होगा। वैसे ही m से आप शुरू करोगे, m माइनस वन, m माइनस थ्री, डॉट डॉट डॉट, वन और टू, डिवाइडेड बाय m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस टू, डॉट डॉट डॉट, थ्री, वन और टू में खत्म होगा, मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय टू इफ बोथ
एम एन एन आर इवन, मगर अगर कोई भी एक इवन नहीं हुआ तो एटलीस्ट तब इस तब एन माइनस वन इंटू एन माइनस थ्री डॉट 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 एम माइनस वन इंटू एम माइनस थ्री डॉट 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 डिवाइडेड बाय एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन माइनस टू डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय वन इफ बोथ एटलीस्ट वन ऑफ एम और एन इज ऑड, किसी एक को ऑड होने से होगा, मतलब जीरो से लेके पाई बाय टू साइन टू दी पावर एक्स होल टू दी पावर फोर कॉस एक्स टू दी पावर फोर क्या होगा, बोलोगे तो जाऊंगा आगे वरना मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। थ्री इंटू वन क्योंकि फोर था तो इसके ले गया, इसके लिए थ्री इंटू वन नीचे फोर इंटू टू नीचे देख क्या है, ओ एम प्लस ध्यान से देख एम प्लस एन कोई बोलेगा क्या होगा, एट इंटू सिक्स इंटू फोर इंटू टू मल्टीप्लाइड बाय वन या पाई बाय टू, पाई बाय टू बोथ एम एन आर इवन पाई बाय टू लिखना है तो लिख लो, ये वाली फॉर्मूला है और इसे रटना होगा सर, रटना गलत बात है, ठीक है निकाल लेना एग्जाम में सर, प्रूफ आपने नहीं बताया, गामा फंक्शन कोर्स में ही नहीं है क्यों बताऊं, टाइम क्यों बर्बाद करूं सर, आप जो टेस्ट ले तो कम मार्क्स आता है, वो टेस्ट लिया है इसलिए जाता है ताकि तुम्हें पता चले कि कहां पे तुम्हें कैसे मेहनत करना है, खासकर तुम लोगों ने क्योंकि अभी तक ज्यादा टेस्ट नहीं दिया है तो इसलिए तीन चीज है, नॉलेज स्पीड एक्यूरेसी टाइम मैनेजमेंट। स्पीड नॉलेज तुम असाइनमेंट को सॉल्व करके पाते हो, स्पीड और टाइम मैनेजमेंट एंट्रेंस देके पाते हो जितने बार ऐसा एग्जाम दोगे। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जहां पे ऐसा कॉम्बाइंड एग्जाम हो पाए, तो कल पहला एग्जाम मैंने लिया है, अब जिस दिन मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म होगा तो मैं डेफिनेट का भी लूंगा, मैं ज्यादा कॉम्बाइंड एग्जाम अभी नहीं लूंगा क्योंकि मैं मानता हूं कि अभी तुम लोगों को नॉलेज का ज्यादा जरूरत है, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, नॉलेज का भी ज्यादा जरूरत है, डीपीपीस करते जाओ, प्राइवेट टेस्ट दूंगा, प्राइवेट टेस्ट दो, मैं इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का दो तीन प्राइवेट टेस्ट लगा दूंगा अभी ताकि तुम लोग को टाइम मिलने से तुम लोग घर में बैठ के टेस्ट खुद ही दे पाओगे किसी भी टाइम में, काफी मेहनत करूंगा तुम लोग के साथ मगर तुम्हें भी मेरे साथ मेहनत करना होगा, ठीक है। लिख लिया? हाँ सर। चलो वैसे ही और एक लास्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, ठीक है, विदाउट प्रूफ। नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, कल बाय डिफॉल्ट ट्यूसडे वाला, बाय डिफॉल्ट ट्यूसडे और फ्राइडे वाला जो है वो सबके मैसेज बॉक्स में जाएगा। हाँ, मुझे ये मत बोलना सर हटा दीजिए, हाँ, क्योंकि जरूरी है कि बाय डिफॉल्ट एक में तुम सब लोग रहो, हाँ, और बाकी सब लोग जिन लोगों ने मुझे A2 बैच वाला A2 A3 कॉम्बाइंड बैच बोला है उन्हें केवल A2 A3 में जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट इस बैच में मैसेजेस तुम लोग के पास जाएंगे हर समय, ठीक है। तो I इज इक्वल टू कभी भी अगर तुम्हें ए से भी, हाँ बोलते जाओ, कोई कुछ बोल रहा है, सर वीक में चार क्लास होने से बहुत क्लास हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने तुझे क्या बोला, मैंने कहा बोला कि मैं आज शुरू करूंगा, हाँ, मैं जान रहा हूँ, मैंने कहा बोला कि इस वीक में शुरू करूँ, मैंने क्या बोला सुना, पहले थोड़ा कम्फर्टेबल हो जाओ इससे, आया समझ में? ओके सर। एक दिन कम्फर्टेबल हो जाओ तो उसके बाद मैं तुम लोगों को बुला दूंगा एक दिन,
ठीक है, मैं एक दिन बुला लूंगा कि चलो आज डिस्कस करते हैं, लेट इट बी कंफर्टेबल। पहले एक चीज में तो कंफर्टेबल हो जाओ, क्या पता तुम लोग को यहीं पे कंफर्टेबिलिटी नहीं मिला तो दोबारा, तो इसलिए मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ दिन के अंदर हम लोग कर लेंगे वो काम, मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, वो भी वो मोटिवेशन भी मैं ही ला के दूंगा, घबराओ मत, मेरे पास मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ऐसा मोटिवेट करूं कि तुम एटलीस्ट मुझे बोलो हाँ सर क्लास दीजिए, वो मेरे ऊपर ए से लेके भी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, अगर कभी तुम्हें एफ ऑफ ए से लेके, अभी चिंता अभी एकदम अभी क्लास खत्म होते बाप रे बाप सर ने चार क्लास बोल दिया, मैं पागल हूँ क्या, अभी चार क्लास अचानक बोलूंगा तो, अभी स्कूल का एग्जाम भी सबका मैक्सिमम का आने वाला है मेरे ख्याल में, यह चल ही रहा होगा, जस्ट थोड़ा सा रुक जाओ। b into f of b minus a into f of b होता है, तो ये एक रिजल्ट है, तो मगर इसके लिए तुम्हें ये पकड़ना होगा, सर इसका प्रूफ एटलीस्ट दे दीजिए, इसका प्रूफ देता हूं, मुझे देने का मन है, अगर कंफ्यूज नहीं होगे तो प्रूफ, a से b f of x dx, f of a से f of b, क्योंकि जहां पे प्रूफ दे सकता हूं वहां पे दूंगा, कंसंट्रेशन चाहिए होगा मुझे, हाँ जब मैं ऐसा एफ इनवर्स एक्स देखता हूं तो मेरे दिमाग में एक चीज आता है, क्यों ना मैं एफ इनवर्स एक्स को टी ले लूं, सर क्यों आया बताता हूं, तब एक्स एफ ऑफ टी के टर्म में आता है, बस मुझे भी लिखने दो पहले, एक्स एफ ऑफ टी के टर्म में आ जाता है और तब इसका वैल्यू तुम्हारे पास होता है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, अब मुझे बोलो अगर तुम x का वैल्यू t तुमने क्या लिया, t तुमने f इनवर्स x लिया है, तो अगर तुम t का अगर तुम x का वैल्यू f ऑफ a लोगे तो t का वैल्यू क्या आएगा, f इनवर्स ऑफ f ऑफ a, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, हां f हो जाएगा, a हो जाएगा, और अगर मैं x का वैल्यू f ऑफ b लूं तो ये वाला f ऑफ b लूं तो t का वैल्यू क्या होगा, b हो जाएगा, तो ये a से b हो गया, मैं f इनवर्स x के बदले क्या डाल सकता हूं, कोई बोलेगा t, और dx के बदले क्या डाल सकता हूं, अब यहां से निकालता हूं, dx इज इक्वल टू f डैश t dt, मुझे इस f डैश को f ऑफ x बनाना है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x क्या था, f of x, जब तुम डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें f of x मिलेगा, तो अगर मैं इसको u बना लूं और इसको v बना दूं और इसमें u v लगाऊंगा तो क्या वैल्यू होगा, कोई मुझे बोलेगा, a से b f of x dx प्लस u को छोड़ो t इंटीग्रेशन f dash t, तुमने देखा f of x है, f of t कहां से कहां तक, a to b minus a से b t का डिफरेंशिएशन 1 into f of t dt, मुझे बस बोलो क्या ये दो कैंसिल हो सकता है, हाँ या ना, हाँ सर, t is dummy, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया बोलो, अगर b डालोगे इसमें तो क्या बनेगा, ये खेला खत्म, ये इसका प्रूफ है, मैंने कभी ये चीज किया नहीं है, मगर मैं एक चीज जानता हूं, अगर तुम एंट्रेंस क्लियर वाले बंदे के पास बात करोगे 90% बंदे इस प्रूफ को नहीं जानते होंगे, मगर इस रिजल्ट को जानते होंगे, इस चीज को समझो, जरूरी नहीं है कि हर समय तुम प्रूफ को जानो, तुम बोलोगे नहीं सर किताब कहता है कि जानना ही चाहिए, वही तो अंतर है, वहीं पे तो बंदे फंसते हैं, जब भी तुम एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन का तैयारी करते हो जहां पे एक घंटे में एक लिमिटेड सम करना होता है, तुम्हें अपने आप को मशीन बनाना ही पड़ेगा, तुम बोलोगे मगर सर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं या हमारा प्रिंसिपल कहता है कि वैसा करने से कोई फायदा नहीं है, ना तो एजुकेशन मिनिस्टर और ना तो प्रिंसिपल किसी ने भी एंट्रेंस क्लियर किया है, जिन्होंने क्लियर किया वो ये चीज को जानते हैं, वो कभी भी नहीं बोलेंगे, तो इस चीज को समझो, नहीं क्लियर करने से ऐसा फील होता है मेरा इसलिए क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास कॉन्सेप्चुअली मैं बहुत वीक हूं, नहीं, मैंने कहा ना स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट, वीकनेस वहां पे होता है, अरे रट लो ना यार इस चीज को, ये होता है चार एफ ऑफ एक्स के साथ एफ इनवर्स एक्स मिलेगा, ये खेला खत्म, दो मार्क्स चार मार्क्स मिल गया, ये कहीं भी गलत चीज नहीं है,
किसी को लिखना है तो लिख लो, या ये तो पीडीएफ में आ ही जाएगा, देख लेना एक बार, ठीक है। तो चलो, तो मैं वो चार क्लास के बारे में अभी चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करूंगा, मैं ठीक है, अचानक मैं वो करते हुए इतना प्रेशराइज तुम्हें नहीं दूंगा, ठीक है। मगर स्टूडेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए मुझे ये डर है कि कभी दो स्टूडेंट आ जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है कि, हो सकता है कि बाद में ऐसा हो जाए कि सब बैच को ही मुझे मिलाना पड़ जाए, कोई ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि और मैंने कहा ना वो वाला जो दिया था कि जब बोर्ड जैसे जैसे सामने आएगा एंट्रेंस में आदमी बच्चे का आंख बंद होने लगेगा। और आजकल तो प्रॉब्लम रिसोर्सेज का है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यूट्यूब तो बताता है कि एक घंटे में डेफिनेटली इंटीग्रेशन सीखो, उसी के बदौलत बच्चा लोग रहता है। और फरवरी में जाके समझ में आता है कि एक घंटा में कुछ सीखा नहीं, मगर फरवरी तक तो वेट करना होगा ना उसे कि हाँ फरवरी की उसने गलत चीज सोचा था। अभी तो हर एक चीज हरा हरा लगता है, ठीक है। सर हाँ बोलते जा, सुन रहा हूँ। क्लास जो आप मर्ज करने की बात कर रहे थे सर, वो कल से शुरू होगा क्या? कल से शुरू कर दूंगा, हाँ ठीक है सर। चल ठीक है, कल से शुरू कर, क्योंकि एकदम पैरेलल चल रहा है, समझ में आ रहा है बैचेस? हाँ सर एकदम पैरेलल चल रहा है, इसलिए ठीक है। चलो मैं इसका वो भेज देता हूँ तुम लोगों को, क्या बोलते हैं, DPP। चल।